वेलकम टू स्टूडेंट सिटी। स्टूडेंट सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाई एथिल इथर। इसमें हम पढ़ेंगे कि डाई एथिल इथर बनाने की विधि क्या होती है, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि डाई एथिल इथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ज़रूर ही आएंगे। और तो सबसे पहले अगर हम अपना एक नंबर पक्का करना चाहते हैं, पाँच नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये, तो अगर हम एक नंबर पक्का करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका, C2H5, ये इसका सूत्र है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी संरचना सूत्र लिख देंगे, संरचना सूत्र लिख देंगे। ठीक है, तो संरचना सूत्र क्या है, C C H H H H O C C H H H H। ठीक है, और H, तो 5H और 2C ये रहे, ये इसकी संरचना सूत्र है। इसके अलावा हम इसका IUPAC नाम लिख देंगे, IUPAC। IUPAC नाम क्या है इसका, इसका जो IUPAC नाम है वो एथोक्सी एथेन है। इसका जो IUPAC नाम है वो क्या है, इसका नाम है एथोक्सी एथेन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लिख देते हैं, इसका सूत्र लिख देते हैं, इसकी संरचना लिख देते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं और इसके अलावा इसका IUPAC नाम लिख देते हैं, तो हमारा एक नंबर हो जाता है। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला है, वो समझ जाता है कि बच्चे ने इसका मतलब इसके बारे में कुछ पढ़ा है। ठीक है, अब इसकी विधि क्या होती है बनाने की, तो सबसे पहले हमने एक टॉपिक में एल्किल हैलाइड था पूरा चैप्टर और एक जो चैप्टर था हमारा एल्कोहल, तो हमने दोनों में एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी। तो इसमें हमने पढ़ा था कि C2H5ONa की अभिक्रिया C2H5I से कराते हैं तो C2H5 plus NaI बनता है। तो सोडियम एथोक्साइड इसका नाम है, जब सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से कराते हैं तो क्या बना, यही तो बना जो हमें चाहिए था, डाई एथिल इथर। हमारा क्या टॉपिक है, डाई एथिल इथर है, और ये हमारा बना है अभी डाई एथिल इथर। तो इस तरह से विलियमसन संश्लेषण से भी डाई एथिल इथर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन टिप्पणी आ सकती है विलियमसन संश्लेषण पर कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, व्हाट इज द विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस इस तरह से आ सकता है। तो हम थ्योरी किस तरीके से लिखेंगे, सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से कराने पर डाई एथिल इथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। व्हेन C2H5ONa सोडियम एथोक्साइड इज रिएक्टेड C2H5I एथिल आयोडाइड, द कंपाउंड फॉर्म इज डाई एथिल इथर। द कंपाउंड फॉर्म इज डाई एथिल इथर एंड द रिएक्शन नेम्ड इज विलियमसन सिंथेसिस। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, डाई एथिल इथर बनाने की विधि इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी कि दूसरे तरीके से किस तरह से बन सकती है। देखिए, टू सी टू एच फाइव ओ एच एथिल एल्कोहल के बारे में हमने पढ़ा था, Al2O3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, जब हम एल्कोहल वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो तब हमने पढ़ा था। तो क्या होता है इसमें, C2H5 plus H2O निकल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है जब Al2O3 की अभिक्रिया और Al2O3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर C2H5OH को
गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, डाईएथिल एथर बनता है और H2O बनता है। देखिए C2H5 कितने हैं, दो हैं, तो एक दो, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, तो एक यहाँ रहा और एक यहाँ रहा, दो, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं, पाँच, सॉरी दो है, तो दो तो हाइड्रोजन बचे अब, क्योंकि C2H5 तो गिन लिए, तो दो हाइड्रोजन बचे, तो H2 यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से हम डाईएथिल ईथर बना सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन किस तरीके आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने की अभिक्रिया तथा रासायनिक गुण दीजिए तथा इससे संबंधित उपयोग बताइए, ठीक है। तो ये अभी इनमें से कोई भी प्रयोगशाला विधि नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की, प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर किस तरह से बनाया जाता है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, C2H5OH की अभिक्रिया H2SO4 से कराएंगे, तो इस तरह से C2H5HSO4 बना, ठीक है, और प्लस H2O निकल जाएगा। देखिए क्या हुआ, C2H5 और यहाँ से क्या हुआ, एक H ने इसके साथ में मिल जाकर H2O बना दिया, ये निकल गया, और यहाँ बचा HSO4, और इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है C2H5HSO4, इसकी अगेन रिएक्शन करा देंगे हम, अगेन अभिक्रिया करा देंगे, फिर से अभिक्रिया करा देंगे C2H5OH से। अब के क्या होगा, ये जो हमारा C2H5 है, इतना C2H5O जो है इतना, ये करेगा इसके साथ में रिएक्शन, ये जो हमारा, ठीक है, सॉरी इसके साथ में रिएक्शन, ठीक है। तो C2H5 यहाँ से निकला और C2H5O यहाँ से निकला, तो बना C2H5O C2H5। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा एक H बचा और HSO4 यहाँ बचा, तो ये हो गया H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे का ऐसी खा गया। तो इसकी थ्योरी किस तरह से लिखेंगे हम, इसकी थ्योरी लिखेंगे कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया दोबारा से एथिल अल्कोहल से कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब हम समझेंगे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, वैसे तो आप सबको पता होगा, इसके बाद भी मैं, इसके बावजूद भी मैं बता देता हूँ कि देखिए उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वो होता है कि जो किसी अभिक्रिया में शामिल हो, अभिक्रिया में शामिल तो हो, लेकिन शामिल होने के बाद में अभिक्रिया जो हो उसके बाद में अपना जो हो वो पूरा का पूरा रूप वापस दे दे, पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, H2SO4 जितना था उतना का उतना प्राप्त हो जाए। जो इनका जो कार्य है उत्प्रेरक का, वो या तो किसी अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस तरह से हम समझ पाए कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभी किसी अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन उसके बावजूद वे पूरे के पूरे अभिक्रिया पूर्ण होने पर पूरे के पूरे प्राप्त होते हैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमें प्राप्त हुआ, तो ये उत्प्रेरक के रूप में अभिक्रिया में कार्य करता है। इसके अलावा हम अब बात करेंगे, इसकी प्रयोगशाला विधि की बात कर ली तो इसके भौतिक गुण की बात करेंगे। इसका भौतिक गुण क्या होता है, देखिए ये होता है रंगहीन, रंगहीन कलरलेस होता है। एक तो डाईएथिल ईथर इज कलरलेस, और क्या होता है, ये जो होता है कार्बनिक विलायकों में होता है विलय, कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल अल्कोहल वगैरह में ये क्या होता है विलय हो जाता है, ठीक है। और जो H2O है उसमें भी ये क्या हो जाता है अल्प विलय होता है, ठीक है। H2O में भी क्या होता है
अल्प विलय हो जाता है, लेकिन विलय हो जाता है, ठीक है। H2O में भी विलय होता है, कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलायकों में ये पूर्ण विलय होता है, विलय होता है, ठीक है, पूर्ण विलय, लेकिन जो हमारा H2 है उसमें अल्प विलय होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके हम COC बंध की बात करें तो COC बंध का जो कोण है, इसमें बंधन कोण जो है वो 110 डिग्री का होता है, 110 डिग्री का। क्वेश्चन में आ सकता है कि 110 डिग्री का कोण होता है, COC बंध दे देगा, HOH बंध दे देगा, और दो इसी तरह से NHHH जो अमोनिया का बॉन्ड होता है उसका बंध देने के बाद में उसका एंगुलर पुश लेगा। तो 110 डिग्री का जो कोण होता है वो किस में होता है, वो COC डाईएथिल ईथर के बंध में होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अब बात करेंगे इसके रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो रासायनिक गुण होते हैं वो ये होते हैं कि कोई भी कंपाउंड किसी और कंपाउंड में मिलने के बाद किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, किस तरह से रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या होते हैं, उस कंपाउंड का क्या होता है, उस कंपाउंड के ये रासायनिक गुण होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके दहन की। अगर हम इसे जलाते हैं तो क्या होता है, ये जलता किस तरह से है, देखिए C2H5 की अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जलता है, ठीक है। इसमें निकलती है CO2 प्लस H2O, ठीक है। कितने C हैं, दो, और दो चार हैं तो 4C हो गए, ठीक है। इसी तरह से 4C हो गए तो, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5, और 5 10, 10 है तो 5 दुनी 10 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 दुनी 8 हैं, और 4 दुनी 8 और 5 13 हैं, यहाँ भी देख लेते हैं हम 6 दुनी 12 और 1 13 है। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो डाईएथिल ईथर क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है दहन। इसी तरह से हम बात करेंगे अब इसके जल अपघटन की। जल अपघटन का मतलब है जल के साथ रिएक्शन, जल अपघटन। देखिए C2H5 प्लस H2O से जब इसकी रिएक्शन करते हैं हम, H2O से जब रिएक्शन करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। किस तरह से, दो C2H5OH, वो किस तरह से प्राप्त होते हैं, देखिए C2H5 दो हैं, ठीक है, C2H5 दो। इसके बाद में H कितने हैं, H यहाँ पर दो हो गए, O कितने हैं, O एक और एक दो हो गए। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ एथिल अल्कोहल। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी PCl5 के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया के ये करके ये क्या करता है, C2H5 प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन। तो ये क्या होगा, देखिए C2H5Cl दो आ जाएंगे, C2H5 कितने हैं, एक ये रहा दो आ गए, और दो ही यहाँ से Cl निकल गए, तो C2H5Cl तो ये आ गया। इसके अलावा अब क्या बचा है, P बचा है, O बचा है, और Cl कितने बचे हैं, तीन बचे हैं, तो POCl3। इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, और इसका नाम तो हम जानते हैं, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। तो क्या होगा, डाई एथिल ईथर PCl5 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे अब बहुत ही मोस्ट रिएक्शन की बात करेंगे, HI के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये किस तरह से रिएक्शन करता है। तो देखिए ये क्या करता है, दो तरह से इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसे गर्म करते हैं तब। तो सबसे पहले देखते हैं हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर C2H5 प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, C2H5I प्लस C2H5OH, ठीक है। H इसके साथ में निकला, इतने के साथ में C2H5
ओ एच बना लिया, ठीक है, और रह गया सी टू एच फाइव आई, तो सी टू एच फाइव ही आ गया। तो एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल इस तरह से बनते हैं। ये क्या थी हमारी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर थी। इसके अलावा बात करें जब इसे गर्म करते हैं C2H5 plus 2HI, आपके इसे गर्म कर रहे हैं हम, आपके 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं, आपके क्या कर रहे हैं हम इसे गर्म कर रहे हैं। तो C2H5 plus 2HI जब हम गर्म करते हैं तो बनता है 2C2H5I plus H2O, ठीक है। इसमें क्या हुआ, C2H5 कितने हैं, एक और एक दो हैं, तो दो तो C2H5 हो गए, I कितने हैं, वो भी दो हैं, दो हो गए, H कितने हैं, H2 हैं और O एक है, तो H2O जल निकल गया और C2H5I, यही तो एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला है, यही एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला है। तो इस तरह से दोनों जो नीचे की मैंने रिएक्शन कराई है, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और एक गर्म करने पर, दोनों की दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें पूछ सकता है एग्जामिनर कि क्या होता है जब C2H5 डाई एथिल इथर HI के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है, तो एल्कोहल और आयोडाइड प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर गर्म करते हैं हम तो केवल एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसके अलावा हम अब बात करने वाले हैं एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन की, एसिटिल क्लोराइड से किस तरह से रिएक्शन होती है, तो चलिए चलते हैं। देखिए एसिटिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है CH3COCl प्लस, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं C2H5 से, तो यहाँ क्या होगा, ZnCl2 की उपस्थिति होगी, ठीक है, ZnCl2 की उपस्थिति होगी और ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये CH3CO रह गया, CH3CO रह गया और क्या रह गया, O रह गया और C2H5 रह गया, तो OC2H5 प्लस उसके साथ में क्या निकला है, C2H5Cl निकला है, ठीक है, C2H5Cl निकला है। तो इसका नाम हमें पता है, हम एल्कोहल में पढ़ चुके हैं, इसका नाम है एथिल एसीटेट, ठीक है, इसका नाम है एथिल एसीटेट और उसका नाम है एथिल क्लोराइड। तो इस तरह से एसिटिल क्लोराइड से डाइएथिल इथर अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनाता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं दो महा इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं की, वो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। देखिए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया दो तरीके से होती है, एक होती है अंधेरे में, एक होती है प्रकाश में। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब क्लोरीन की अभिक्रिया अंधेरे में कराते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है जब क्लोरीन की अभिक्रिया प्रकाश में कराते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं अंधेरे में किस तरह से होती है। देखिए CH3CH2O CH2CH3, ठीक है, प्लस क्लोरीन, ये जो हमने मैं C2H5 था इसे तोड़ लिया है, इसे लिख लिया है CH3CH2 और CH2CH3 इस तरह से। तो अब क्या होगा, माइनस HCl कहाँ से निकला अभी बताओ, यहाँ से एक H रिप्लेस होगा यहाँ से, ठीक है, Cl के साथ में HCl और यहाँ पर एक Cl है, दो Cl है सॉरी, एक Cl कहाँ जाएगा, तो एक Cl आ जाएगा CH3, यहाँ से तो एक H रिप्लेस हो गया है तो एक H बचा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा Cl, O ऐसे गया ऐसी और CH2CH3। इसके बाद में इसकी रिएक्शन फिर से करा देंगे हम क्लोरीन से Cl2 से फिर से रिएक्शन, तो माइनस HCl निकल जाएगा, ठीक है, माइनस HCl निकल जाएगा। अब यहाँ से क्लोरीन से रिएक्शन कराने के बाद माइनस HCl निकल गया और कंपाउंड क्या आएगा दूसरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो दूसरा जो कंपाउंड आ जाएगा वो आ जाएगा CH3CHCl OCl CH3 इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक H
Cl के साथ मिल गया HCl और यहाँ पर आ गया Cl, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो नाम होगा, देखिए इसका नाम होगा वन क्लोरो डाई एथिल इथर, ठीक है। और इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा 1, 1- और इसमें था देखिए क्लोरो Cl, एक ऑक्सीजन के एक नंबर बाद है तो 1 क्लोरो, इसलिए लिखा है 1 क्लोरो डाई एथिल। और डाई एथिल इथर तो ये था ही पहले से ही, तो इस तरह, लेकिन आपके क्या है Cl इधर भी है और Cl, आपके क्या है Cl इधर भी है और Cl इधर भी है, तो इसका हो जाएगा 1, 1- ये वाला Cl हो जाएगा डैश। और दो के लिए डाई लगाते हैं, डाई क्लोरो, देखिए दो के लिए लगाते हैं डाई, क्योंकि वन के लिए तो हमने एक ही क्लोरो था तो एक क्लोरो लगाया था, लेकिन यहाँ दो के लिए डाई लगाएंगे, तो 1, 1- डाई क्लोरो और एथिल इथर तो इसका नाम है, तो एथिल इथर। तो इस तरह से हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, 1- डाई एथिल इथर। तो इस तरह से अंधेरे में, और इसमें ये कहाँ रिएक्शन हो रही है, ये हो रही है हमारी अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में। तो अंधेरे में इस तरह से रिएक्शन होती है, तो क्या लिखेंगे, क्लोरीन डाई एथिल इथर अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 1, 1- डाई क्लोरो एथिल इथर बनाता है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है इसका। इसके बाद में हम बात करेंगे कि प्रकाश से डाई एथिल इथर किस तरह से, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से डाई एथिल इथर किस तरह से अभिक्रिया करता है, तो चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए C2H5 को इस तरह से लिख सकते हैं, होल ट्वाइस करके O लिख दें, ठीक है, अभी भी तो सेम है, डाइएथिल इथर है, प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 क्लोरीन से, तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा C2Cl5 का होल ट्वाइस प्लस HCl, ठीक है, और ये होगा प्रकाश की उपस्थिति H न्यू, ठीक है, H न्यू प्रकाश की उपस्थिति। तो देखिए कितने थे, H 2, 5, 10 थे, और यहाँ पर Cl कितने हैं, 2, 5, 10, तो इसका मतलब 10 Cl क्या हुए हैं, 10 H रिप्लेस हुए हैं 10 Cl से, और 10 ही Cl के साथ में निकले हैं, और 10 ही Cl के साथ में निकले हैं, तो इसलिए 10 × 20, 20 Cl थे, तो 10 तो यहाँ पर आ गए, 2, 5, 10, और 10 निकल गए उसके साथ में 10 HCl। और इसका जो नाम है, इसका नाम है परक्लोरो डाई एथिल इथर, परक्लोरो डाई एथिल इथर इसका नाम है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, प्रकाश में क्लोरीन की अभिक्रिया अलग है और अंधेरे में क्लोरीन की अभिक्रिया अलग है डाई एथिल इथर के साथ में, ठीक है। तो इसकी थ्योरी लिख देंगे कि जब डाई एथिल इथर की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो पर क्लोरो डाई एथिल इथर प्राप्त होता है। व्हेन C2H5 और C2H5 आर रिएक्टेड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द कंपाउंड फॉर्म इज पर क्लोरो डाई एथिल इथर। इसके अलावा अगर हम बात करें अंधेरे में, तो अंधेरे में क्या लिखेंगे कि व्हेन डाई एथिल इथर आर रिएक्टेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, मतलब अंधेरा, तो कंपाउंड फॉर्म इज 1 क्लोरो 1 डैश डाई क्लोरो एथिल इथर। तो इस तरह से हमारी प्रकाश में और अंधेरे में होती है। इसके अलावा हम एक रिएक्शन की और बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और यहीं पर हम टॉपिक ख़त्म करेंगे। देखिए C2H5 की का अपचयन, मतलब हाइड्रोजन का योग किसकी उपस्थिति में, HI और लाल फास्फोरस, आपके क्या है HI से रिएक्शन नहीं है, आपके HI और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या है रिएक्शन की जा रही है, ठीक है। तो इसमें बनता है 2C2H6 प्लस एंड H2O, ठीक है।
देखिए, 5 और 5 10 और 4 14 हैं हाइड्रोजन, तो 2 6 12 और 2 14। सी कितने हैं? 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 1 का 1। तो इस तरह से हमारी क्या होगी, बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा डाई एथिल ईथर टॉपिक, जो हमने समझा कि इसके रासायनिक गुण क्या हैं, इसके भौतिक गुण क्या हैं, ये किस तरह से बनता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आपको अगर कुछ भी समझ में आया है, कुछ भी समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके डाउट करने की, आपको डाउट ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।